है न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक नशे में धुत मैजिक कार का वाहन 6 किलोमीटर तक लोगों को रौंदते और लोगों को मारते चला गया। ऐसे में 12 लोगों को उसने घायल किया और जिसमें 2 की मौत हो गई। पहले उस नशे में धुत मैजिक वाहन का ड्राइवर ने राहगीरों को ठोका, फिर जब लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो डर से वो भागता चला गया, जिसमें वो 6 किलोमीटर तक वाहन को दौड़ाते हुए चला गया और उसमें उसने 12 लोगों को घायल कर दिया है। मुजफ्फरपुर में एक मैजिक वाहन के ड्राइवर ने नशे में 6 किलोमीटर तक कई लोगों को कुचल दिया। इसमें 2 की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गाड़ी लेकर मुजफ्फरपुर से सीवर जा रहा था। नशे में होने के कारण नेवरा में उसने सड़क किनारे खड़े राहगीर को ठोकर मार दी। इसके बाद एक बाइक सवार उसका पीछा करने लगा। पकड़े जाने के डर से उसने 6 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ा दी। इस बीच जो भी उसके सामने आया वो उसे उड़ाते चला गया। कई लोगों को कुचलने के बाद गंज बाजार चौराहा पर ऑटो से ठोकर मारने के बाद गाड़ी पलट गई। हादसे में 30 वर्षीय संजय और 75 वर्षीय देवकी राय की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रविवार को सबसे पहले मैजिक वाहन ने नेवरा में सड़क किनारे खड़े राहगीर को ठोकर मारी। शोर सुनते ही पकड़ाने के डर से तेज रफ्तार में भागते हुए खेमाई पट्टी बाजार पर भी राहगीर को ठोकर मारकर तेजी से भागने लगा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस बीच में प्रखंड मुख्यालय पहुंचती। उसके पहले ही चालक ने बहल बाजार से ही ब्रांच रोड पकड़ लिया और प्रखंड मुख्यालय के पीछे से होते हुए माणिकपुर पंचायत सरकार भवन वाले रोड में पहुंचा। गाड़ी को अनबैलेंस देख ग्रामीण कुर्सी बेंच रखकर सड़क पर जाम करने लगे। ड्राइवर बेंच को तोड़ते हुए मणिकपुर के गौरी शंकर सहनी के पुत्र संजय कुमार को ठोकर मारते हुए फिर शिवहर जाने वाले मुख्य मार्ग पर निकल गया। गंज बाजार मेन चौराहा से पहले ही 2-3 लोगों को ठोकर मारते हुए ऑटो से सीधी टक्कर हो गई और मैजिक वाहन सड़क किनारे पलट गया। ऑटो पर सवार 2 लोगों को चोट आई। सीधी टक्कर से मैजिक और ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। गांव से दूध इकट्ठा कर दुकान में पहुंचाने जा रहे मैदेहिया गांव के 75 वर्षीय बुजुर्ग पंसस राम शोभा राय के चाचा देवकी राय के दोनों हाथ टूट गए। कान के नजदीक जबरदस्त चोट आई तथा जांच में ब्रेन हेमरेज का पता चला। पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती करवाया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद बहल बाजार के अशोक प्रसाद, मैदेहिया के दिलीप कुमार और देवकी राय के SKSCH रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान देवकी राय की मौत हो गई। उधर जख्मी संजय की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मैजिक का चालक नशे में होने के कारण घटना को अंजाम दिया। उसे गिरफ्तार कर मैजिक तथा ऑटो को जब्त कर लिया गया है। तो देखिए, घटना मुजफ्फरपुर की है, जहां शिवहर जा रहे एक नशे में धुत वाहन चालक ने 6 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाते हुए चला गया, जिसमें उसने 12 लोगों को घायल किया और 2 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वो नशे में धुत होते हुए पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारा। जब लोगों ने उसका पीछा किया तो वो बचने के लिए लोगों से पकड़े जाने के डर से 6 किलोमीटर तक दौड़ते हुए अंधाधुंध जो है गाड़ी चलाते हुए भागते हुए निकल गया, और जिसमें उसने उसके रास्ते में आए जितने भी लोग उसके बीच में आए सबको उड़ाता चला गया, में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए, इसका बस इतना ही। अभी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।